बिल्कुल, देखिए यहाँ से मस्जिद पथ की ओर से जो जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि हाईकोर्ट, हमारे साथ खुद रवि है जो मस्जिद पथ के लोगों के संपर्क में थे, उनसे बात करके आए। रवि, मस्जिद पथ का इस पर क्या स्टैंड था? इस पर देखिए उनका साफ कहना है कि जो भी ये फैसला आया इसके खिलाफ सीधे सीधे वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे, और उनका साफ कहना है कि जो ये फैसला आया है ऐसा कुछ एसआई अपने रिपोर्ट में नहीं बताया था, जो तहखाने में किसी प्रकार के मंदिर या पूजा का कोई साक्ष्य एसआई की रिपोर्ट में नहीं है, और ये जो आदेश आया है ये पूरी तरह से गलत है, इसके खिलाफ हम सीधे सीधे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल, इस पर सीधे सीधे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अब इस पर सीधे मंदिर पक्ष से रिएक्शन जान लेते हैं, क्योंकि न्यूज 18 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव मस्जिद पक्ष का इस पर रिएक्शन जाना। अब मंदिर पक्ष से इस पर रिएक्शन जान लेते हैं कि क्या वो लोग कहेंगे, क्या उनकी इस पर बयान है। बिल्कुल, विष्णु विष्णु जी है और हम विष्णु जी से बात कर लेते हैं अभी फिलहाल। विष्णु जी, बिल्कुल, तो ये बताइए सुधीर जी, सुधीर जी, मस्जिद पक्ष ने कहा है कि उसके लिए हाईकोर्ट जाएगा। अरे जाने दीजिए, हाईकोर्ट जाएंगे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनको हाईकोर्ट जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय ने सही फैसला किया है और फैसला सही होना चाहिए। तो अगर हाईकोर्ट जाने से आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, इसमें क्या रोक लग सकती है, कुछ भी हो सकता है? हाईकोर्ट इस फैसला को सही मानेगा, हाईकोर्ट इस फैसला सही मानेगा। क्या लगता है सीता जी, हाईकोर्ट जाएगा मस्जिद पक्ष? वहाँ से भी उनको हार ही मिलेगी, उन्हें तो हम लोग का साथ देना चाहिए, जो अन्याय हम लोग के साथ बरसों हुआ है उसका विस्तार करें, निकलना चाहिए। हर हर महादेव। मंदिर पक्ष कहना है कि हाईकोर्ट से बहुत राहत नहीं मिलेगी पूरी तरीके से जीत के बाद। पार्वती पता हरे हरे महादेव। यहाँ पर आप ये देखिए कि लगातार जो है नारीबाजी हो रही है और यहाँ पे जीत शुरू हो रहे हैं। विष्णु जी, मस्जिद पथ का रिएक्शन आ गया है कि वो हाईकोर्ट जाएगा। रिएक्शन आया है कि हाईकोर्ट जाएगा। हाँ, तो उनको वो अपनी जो हो चुका है भाई, जो उनकी लीगल रेमेडीज है, जो उनकी वो लीगल रेमेडीज हैं उसको वो अवेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो आप लोग की भी हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ कैविट की तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी है। क्या लगता है कि अगर क्या अगर इसे जब तक वो हाईकोर्ट जाएंगे आप लोगों की कोशिश हो सकती है कि जब तक वहाँ पूजा पाठ शुरू करा दी जाए? देखिए हमारी पूरी डिमांड है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन थे जिन्होंने मस्जिद पक्ष का जो बयान आया है हाईकोर्ट जाने पर, उनका कहना है कि हमारी हाईकोर्ट पर कैविट की तैयारी है, यानी कि एक ये लीगल एक प्रोसेस होती है कि अगर कोई आदेश आता है और दूसरे पक्ष को लगता है कि इस आदेश के खिलाफ एक पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है, उच्च अदालत जा सकता है, तो उसके पहले वो कैविएट दाखिल कर लेगा, यानी कि वहां पर उस आदेश पर स्टे नहीं होगा, बल्कि अगर आप आपत्ति डालता है दूसरा पक्ष तो दूसरे पक्ष के आपत्ति पर। उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी बात जो है दर्शकों को फिर से बता देते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के लोग पूजा पाठ वहां पर करेंगे, प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करवाएगा पूजा पाठ की, नंदी के सामने से रास्ता बनाया जाएगा जो वहां पर बैरिकेडिंग की गई है उसी को वहां पर काटकर उस उधर से ही रास्ता बनाया जाएगा व्यास जी के तहखाने में जाने का, और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो पाएगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिएक्शन आ गया है, उनका यह कहना है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, फैसले को चुनौती देंगे। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हम भी वहां पर एक कैविएट दाखिल करेंगे हाईकोर्ट में कि मुस्लिम पक्ष को सुनने से पहले हमको सुना जाए क्यों ये फैसला हमारे पक्ष में आया, हमारी दलील को सुना जाए। इन सब के बीच प्रशासन के सामने यहां पर 7 दिन के भीतर व्यवस्था करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी है ताकि कोर्ट के आदेश का पालन हो पाए और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो पाए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नंदी जी जिधर मुख करके बैठे हैं और उसके सामने जो आप गेट देख पा रहे हैं जो वहां पर बैरिकेटिंग है एक प्रकार से कह सकते हैं, इधर से ही व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता है और अब प्रशासन को इधर से ही वो रास्ता सुनिश्चित करवाना पड़ेगा ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी इस रास्ते से जाकर वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कर पाए, आम लोग भी जा पाएंगे। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ऐसा नहीं कि आम श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे, वो भी जा पाएंगे। तो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। 1993 में आखिरी बार व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हुई थी, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव की सरकार में वहां पर पूजा पर प्रतिबंध लग गया था। 30 बरस से लड़ाई लड़ी जा रही थी न्यायालय में कि वहां पूजा का अधिकार मिले। अब जबकि एएसआई का सर्वे हुआ, उस सर्वे में तमाम ऐसी बातें सामने आई कि वहां व्यास जी के तहखाने में कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां मंदिर हुआ करता था, वहां पहले पूजा पाठ हुआ करती थी। इसी के आधार पर अब कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर सुनिश्चित कराए कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो जाए। यह हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं उपेंद्र, नंदी जी जिधर मुख करके बैठे हैं
सामने यही वो बैरिकेटिंग है, यही वो लोहे की जाल है जिसको काट के रास्ता बनाया जाएगा व्यास जी के तहखाने में जाने का। उपेंद्र, बिल्कुल अमित, यही वो रास्ता है। अभी तक जब आप मंदिर आते होंगे तो आपको नंदी जी दिखाई देते होंगे, नंदी जी के सामने बैरिकेटिंग दिखाई देती होगी, बैरिकेटिंग के अंदर आपको कथित ज्ञानव्यापी मस्जिद दिखाई देती है। लेकिन अब जो आदेश हुआ है उसमें मंदिर के सामने ही जो नंदी के सामने जो बैरिकेटिंग है उसको काट के वहां से रास्ता बनाया जाएगा। खुद इसकी पुष्टि हम सुभाष चंद्र चतुर्वेदी से कर लेते हैं। सुभाष जी, अब समझाइए, नया फिगर पूरी देश सुनना चाहता, जनता जानना चाहती है, अब जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगे, ज्ञानवापी को देखेंगे, नंदी जी को देखेंगे, जिसको आप प्रतीक्षा रत्न नंदी जी कहते हैं, जिनको प्रतीक्षा है अपने महादेव की जैसा आप कहते हैं, तो अब नया स्वरूप इस आदेश के बाद क्या हो जाएगा? नया स्वरूप जो हम लोगों की मांग थी, जो दावा था कि 1993 तक केवल इनका कहना था कि पूरा परिसर बैरिकेटिंग का अंजुमन इंतजामिया यानी मस्जिद का हिस्सा है। हम लोगों ने कहा कि 1993 तक जब पूजा होता था तब ये व्यास जी को वहाँ परिवार द्वारा सैकड़ों वर्षों से पूजा पाठ किया जाता था। इनका जो है इस आदेश के बाद वर्शिप एक्ट, वक्त की संपत्ति, ये जो दो भ्रम फैलाया गया था इस देश में कि वर्शिप एक्ट लागू होता है इसलिए इसमें आप कहीं से कोई सुनवाई नहीं कर सकता है कोर्ट, दूसरे वक्त की संपत्ति है इसलिए पूजा पाठ नहीं बहाल हो सकता है, इन दोनों भ्रांतियों को माननीय कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है और माना है कि 1993 तक वहाँ पूजा होता था, यानी हिंदू के अधिकार में, यानी व्यास जी के अधिकार में था, इसलिए उसको पुनः उस पूजा पाठ को बहाल कर दिया जाए। तो नया स्वरूप क्या होगा? बैरिकेटिंग खुल जाएगी, नंदी जैसे ये है जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर नंदी है, ये जहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं ये बैरिकेटिंग है। तो अब ये आप जनता को समझाइए, जो दर्शक लाखों करोड़ों दर्शक जो न्यूज 18 के देख रहे हैं उनको आप ये समझाइए कि अब वो कैसा नया स्वरूप कैसे होगा। देखिए, वजू खाना के सामने दक्षिण की तरफ इधर नंदी जी हैं, नंदी जी जो वजू खाना में शिवलिंग मिले हैं जिनका प्रतीक्षा कर रही हैं, उसके पहले यानी कि नंदी जी और व्यास जी के तहखाने के बीच में बैरिकेटिंग है जिसको कोर्ट ने कहा है खोल कर इसको जो है आप यहां से रास्ता बनाए ताकि तमाम और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उत्तरी द्वार पे तमाम भीड़ भाड़ तमाम चीज़ें रहती है, इसलिए किसी को परेशानी ना हो, आप बैरिकेटिंग का रास्ता वहां बनाइए व्यास जी के तहखाने की तरफ से और कॉरिडोर द्वारा ही जो है पूजा पाठ की व्यवस्था की जाए, यानी नंदी जी के सामने का जो द्वार है वो बैरिकेटिंग है उसको खोला जाएगा और व्यास जी के तहखाने में। सुभाष जी को बनाए रखिए, एक मेरा सवाल है, तहखाने से क्या मतलब है? इधर से जब दरवाजा जब रास्ता खुलेगा तो नीचे तहखाने में जाना पड़ेगा सीढ़ियों से उतर के? तहखाने का मतलब क्या है, आम भाषा में समझाइए जो दर्शकों को समझ में आए, क्या नीचे उतर के जाना पड़ेगा, सीढ़ी लगी है या तहखाना ऊपरी है उसमें कोई सीढ़ी नहीं है? तहखाने को जो आसान भाषा में समझाइए। सीढ़ी नहीं, एक दो सीढ़ियां है क्योंकि जमीन लेवल से थोड़ा नीचे है और ऊपर जो आप वजू टैंक देख रहे हैं पूरा बहुत बड़ा चबूतरा कह लीजिए, जो बहुत बड़ा चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे जो है 10 कहा जाए कि जो है 10 तहखाने हैं, जिसमें से एक तहखाना, दो तहखाना, जिसमें एक तहखाना मट्टी से भर दिया गया था एसआई सर्वे के दौरान, जो सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, वो तहखाना जो है उस वजू टैंक के ही सामने और आगे इधर नंदी जी की तरफ ये तहखाना है, यानी कि उस बहुत बड़े जो चबूतरा बना है जिसपे वजू टैंक है उसी के नीचे सारे तहखाने हैं और व्यास जी का तहखाना भी दक्षिणी छोर पर नंदी जी के ठीक सामने है। कितना बड़ा तहखाना होगा ये? तहखाना भाई बहुत बड़ा, कम से कम हमें लगता है कि जो है 40x40 का लगभग होगा, ये इतना बड़ा तहखाना होगा, उसमें 40 से 50 फीट गहराई होगी और चौड़ाई लगभग 40 फीट अंदर होगी, जो ये तहखाना व्यास जी का है जहाँ पूजा पाठ वगैरह चलता था। एक साथ कितने लोग वहाँ पर बैठ कर पूजा कर सकते हैं, एक साथ कितने लोग बैठ के वहाँ दर्शन पूजन कर सकते हैं? अब कम से कम 50-60 लोगों की व्यवस्था वहाँ हो सकती है, पूजा पर इतना स्पेस है कि 50-60-70 लोग वहाँ बैठ कर एक साथ पूजा। सुभाष जी को रोके रखिएगा, उपेंद्र एक और सवाल पूछिए, प्रवचन कितना सहायक हुई फैसले में, इतना स्पेस है वहाँ पर? सुभाष जी, हम लोग जानना चाहते हैं एसआई की रिपोर्ट इस फैसले में कितना सहायक हुई? एसआई का जो ये रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट ने सारी, हमने कहा ना कि सारी भ्रांतियों को ध्वस्त कर दिया है, मस्जिद का जो थ्योरी था अंजुमन का वो ध्वस्त हो गया है, यानी कि मंदिर है, एसआई ने प्रमाणित तो वैज्ञानिक जांच के बाद जो सर्वे के बाद जो रिपोर्ट लाया है उसमें बताया है, प्रमाणित किया है कि जो है मस्जिद के पहले 1669 से पहले यहाँ एक भव्य बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़कर ध्वस्त करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, ये सारी चीज़ें एसआई सर्वे में प्रमाणित हो गया है जी। तो ये एक बात और भी जानना चाहते हैं सुभाष जी, कि
ये रिपोर्ट सहायक बनी, वहां पर कौन कौन सी मूर्तियां हैं व्यास जी के तहखाने पर जो आप लोगों ने अपने सर्वे के दौरान देखी? छोटी मूर्तियां वहां मिली हैं, गणेश जी का, हनुमान जी का, वो तमाम जो है शिवलिंग भी टूटे फूटे मिले हैं, तमाम देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां मिली हैं वहां, वहां मगरमच्छ मिला था, खंभों पे तमाम जो है मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो धार्मिक क्रियाओं, ये हिंदू व्यास जी का तहखाना इसको प्रमाणित करता है, और तमाम चीज़ें हैं वहाँ जो मिली हैं एसआई के सारे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी, उनकी पूजा होगा। व्यास जी वहाँ पर पूजा भी करते थे, व्यास जी वहाँ पर रहते भी थे, क्या था 1993 पहले वहाँ का स्वरूप क्या था? भाई रहते थे, पूजा पाठ कथा वगैरह जो धार्मिक क्रियाएं हैं, रुद्रा वगैरह तमाम चीज़ें जो हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक क्रियाएं हैं उसको व्यास जी परिवार द्वारा कराया जाता था, वो सारी चीजें पुनः बहाल होगी। जिलाधिकारी को पहले दिन की पूजा कैसी होगी, क्या क्या विधान उस पूजा का होगा और क्या सुभाष भी मौजूद होंगे उस पूजा में? सुभाष जी बड़ा सवाल, पहले दिन की पूजा किस तरीके से होगी, क्या क्या विधान होगा और आप भी उस पूजा में मौजूद रहेंगे? राग भोग, ये सारी चीजें अब तय होंगी, जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर माननीय तरीके से राग भोग मांगना जाता है मन सनातन धर्म में, वो क्या क्या होगा? सारी चीजें हैं, भोग लगेगा, आरती होगी, बिल्कुल वो मूर्तियां आएंगी, आरती होंगी, कथा होंगी, जो धार्मिक पहले होती थी आप भी मौजूद रहेंगे? बिल्कुल रहा जा सकता है, कॉरिडोर को आदेशित किया गया है, बोर्ड जो ट्रस्ट है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है पहले दिन की पूजा के लिए, मंदिर पक्ष की ओर से भव्य, मतलब कितने जो है कुंटल का प्रसाद, कितना फूल, या सुभाष जी खोल दीजिए, जब पूरी पूरी दुनिया हो जाने दीजिए, अब जिला प्रशासन को आदेशित किया गया है, अब इसको कंप्लायन किया जाए, ट्रस्ट को भी आदेशित किया गया है, अब ये कंप्लायन में सारी बातें बैठ के तय हो जाएगी। उपेंद्र मेरी तरफ से सुभाष जी के लिए काफी सवाल है, देखिए व्यास जी के तहखाने में पूजा का इंतजार समाप्त हो गया है, लेकिन जो प्रतीक्षारत नंदी जी है, क्या माने कि उनकी प्रतीक्षा का इंतजार, उनकी प्रतीक्षा भी समाप्त होने वाली है, उस दिशा में हम आगे बढ़ चले हैं? बिल्कुल, अंतिम सवाल सुभाष जी, क्या नंदी की प्रतीक्षा भी अब खत्म हो गई है, हम लोग आगे बढ़ गए नंदी की प्रतीक्षा खत्म कराने में? नंदी की जो प्रतीक्षा है आदि महादेव शेषेश्वर तक पहुंचने का, वो अभी खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन आधा रास्ता हम लोगों ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू करवा के जो आदेश हम लोगों को आज माननीय कोर्ट ने दिया है, कहा जाए कि आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है, अब वहाँ से आधे रास्ता जो है शिवलिंग जो हमारे पाए गए हैं वजूखाने में सर्वे के दौरान वहाँ तक पहुँचने में है, यानी कि बहुत लंबा दूरी जो है नंदी के जो प्रतीक्षा है वो तय कर लिया है नंदी ने, और नज़दीक, काफ़ी नज़दीक बाबा के वो पहुँच गई हैं। पूजा पाठ की क्या तैयारी होगी पहले दिन के लिए, सोहन जी ने इसकी तैयारी की है, हम सोहन जी से बात कर लेते हैं, सोहन लाल जी से, सोहन लाल जी जो यहाँ पर हैं उन्होंने कुछ तैयारी की है। विष्णु जी एक सवाल बड़ा, इसका कानून से तो मतलब नहीं है लेकिन भावनाओं से आप लोगों के बहुत मतलब है, कि पहले दिन की पूजा पाठ की क्या तैयारी है सुधीर जी, इसको बताइए, पूरे देश जानना चाहता है। पहले दिन की पूजा, पहले गणेश जी की वंदना होगी, शंकर जी का रुद्राभिषेक हुआ, शुद्धिकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, यह बड़ी खबर है, क्या शुद्धिकरण किस तरीके से? एकदम पंचगव्य से उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण करने के बाद वहाँ गणेश आदि जो मूर्तियाँ वहाँ पर है उनका जो सो पूजा पाठ प्रारंभ होगा, आगे चलकर उन सभी मूर्तियों का पुनः प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठित करके नियमित पूजा शुरू होगी। तो विष्णु जी पहले दिन की पूजा के लिए कितना क्या तैयारी है, सब लोग पूरे तरह तैयार है, पहले आप लोग सब लोग मौजूद रहेंगे? पहले दिन सब तैयार है, पूरा काशी तैयार है, पूरी काशी तैयार है। तो ये क्या क्या किस किस तरीके से आप लोग का गणेश पूजा होगा, शोपनाचार विधि से, कितना बड़ा रुद्राभिषेक होगा, कितने लीटर दूध से आप लोग रुद्राभिषेक करेंगे, गंगा जल से, कितनी नदियों के जल से और रुद्राभिषेक होगा, ये तमाम सारी बातें। ठीक है उपेंद्र, उपेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा देते हैं कि कहां पर है इस वक्त नंदी जी की प्रतिमा और उसके सामने कहां पर है व्यास जी का तहखाना, कैसे किस रास्ते से व्यास जी के तहखाने में जाया जाएगा पूजा पाठ के लिए। ये देखिए आप, ये प्रतीक्षारत नंदी हैं जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं महादेव की साधना का, उनकी आराधना का, और उनके ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, उनके ठीक सामने ही व्यास जी का तहखाना है। 85 फीट की दूरी है वजू खाने से, उस वजू खाने के भीतर भी कई सारे तहखाने, जैसा भी आपने सुभाष जी को सुना उन्होंने बताया, लेकिन नंदी जी के ठीक सामने जो बैरिकेडिंग आप देख पाएंगे उसी बैरिकेडिंग को तोड़ करके रास्ता बनाया जाएगा व्यास जी के तहखाने तक जाने का। ये जो जिसे ज्ञानवापी कहा जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि मस्जिद कभी था ही नहीं, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा, उसी परिसर में व्यास जी का तहखाना मौजूद है जहां पर पूजा का अधिकार मिल गया है। अब काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के पुजारी वहां पर जाकर पूजा पाठ कर पाएंगे। 1993 में आखिरी बार वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हुई थी और उसके बाद से पूजा वहां पर बंद कर दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा दिया गया था,
30 साल लंबी लड़ाई लड़ी गई, एएसआई का सर्वे हुआ। उस सर्वे में कई ऐसी बातें सामने आई कि व्यास जी के तहखाने में कई खंडित मूर्तियां हैं, वहां खंडित शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली है, गणेश जी की खंडित मूर्ति मिली है, जिसके बाद ये प्रमाणित होता है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था, पूजा पाठ हुआ करती थी। और इसके आधार पर कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के भीतर वाराणसी जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कराए कि वहां पर काशी विश्वनाथ धाम के पुजारी जाकर पूजा पाठ कर पाए। पहले दिन की पूजा पाठ में शुद्धिकरण वहां पर करवाया जाएगा, रुद्राभिषेक होगा, गणेश जी की वंदना होगी, उसके बाद पूजा पाठ वहां शुरू किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह सामने आई कि मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर अपील करेगा। ये देखिए आप, नंदी जी, इनको प्रतीक्षारत नंदी जी कहा जा रहा है। 85 फीट की दूरी है वजूखाने की, वो वजूखाना जहां पर कहा गया कि बाबा मिल गए, कथित शिवलिंग के वहीं पर होने का दावा किया गया, उसकी दूरी नंदी जी से 85 फीट है और उसी परिसर में व्यास जी का तहखाना भी है, उसी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। उपेंद्र, हम ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को बता रहे थे कि अब जब वो काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे तो कौन सा वो रास्ता होगा जहां से वो जाकर व्यास जी के तहखाने में दर्शन कर पाएंगे या पूजा पाठ कर पाएंगे। अभी आम लोगों का क्या रिएक्शन है, वकीलों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो तो हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन बनारस के लोग इसको कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं उपेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, हम बनारस के लोगों से भी जान लेते हैं कि ये कितनी बड़ी जीत के रूप में इसको देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी हैं उनसे हम जान लेते हैं। गुरुजी, अभी आप बता रहे थे तो जरा दर्शकों को एक बार समझाइए कि पहले दिन क्या क्या होगा, कौन कौन से पाठ होंगे, पूरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले वहाँ शुद्धिकरण किया जाएगा पंचगव्य से, गौमूत्र, गोबर, गंगा जल इत्यादि से पंचगव्य से उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण करने के बाद गणेश अथर्वशीर्ष और गणेश सहस्त्र नाम से वहाँ पहले गणपति की पूजा होगी। गणपति के पूजा के बाद वहाँ आगे का जो विधान है वो वैदिक रीति से वहाँ सब संपन्न कराई जाएगा। कितना बड़ा हवन होगा इस पर? बहुत बड़ा यज्ञ होगा जी, बहुत बड़ा यज्ञ होगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। हम आम लोगों से भी जान लेते हैं कि गुरुजी आपको क्या क्या सोच रहे हैं, आप कितना बड़ा ये फैसला है, ये आम पूरे बनारस के लिए कितना बड़ा फैसला है? बनारस ने पूरे विश्व के लिए बड़ा फैसला है, जो नंदी जी का इंतजार था वो खत्म हुआ और सब नियमित पूजा पाठ शुरू होगा। जी जी, नियमित पूजा पाठ। आप लोगों ने कभी सोचा था कि अब कभी वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाएगी? जब सोचे थे तभी तो किया गया, सोचे थे तभी तो किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सोचे। हम बात भी कर लेते हैं, और सारे लोग हैं, आम बनारस है तो आम बनारस में क्या सोचा, कितना बड़ा फैसला मानते हैं व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने जा रही है? बहुत बड़ा फैसला है, मस्जिद टूट जानी चाहिए, वो जो ढांचा है मंदिर के ऊपर टोपा जो पहना हुआ है उसको जल्द से जल्द टूट जाना चाहिए, अब तक टूट जाना चाहिए था। और धन्यवाद है न्यायालय का कि जल्द से जल्द हमें पूजा करने का अधिकार मिल गया, नहीं बनारस की जनता खुदे बौखला गई थी, इनसे पहले जाके कुछ कर देती, इसके लिए इनका भी शुक्रिया अदा है और शासन प्रशासन का भी शुक्रिया है जो हमको लगातार सहयोग देते आ रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी आप लोगों के लिए भावनाओं को आज जो है जीत है कि अब आप लोगों को मुमकिन हो पाया कि वहाँ मंदिर 1993 तक पहले पूजा होती थी, क्यों वहाँ पूजा रोक दी गई थी? आप लोग कुछ बताया कभी आपके बुजुर्गों ने कि 1993 या आप लोगों को पता है कि क्यों पूजा रोक दी गई थी? देखिए, जब ये आक्रांता आए तो लगातार इन लोगों ने जिस प्रकार मंदिरों को तोड़ा और हम लोग शांतिप्रिय ढंग से लगातार शासन का मुंह देखते थे, न्यायालय का मुंह देखते चले गए, लेकिन आज जब परिस्थितियां बदली हैं और हमारी चीज़ें हमें मिल रही हैं तो आपको ये आप जान लीजिए कि हृदय से धन्यवाद भी मिल रहा है और भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, वो और जागृत होता जा रहा है और हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरा होती जा रही हैं। और बस यही है कि जल्द से जल्द न्यायालय फैसला दे और वो जो लगा हुआ है टोपा, वो टोपा किसी तरह टूटे और हम लोग भी जाके आज तो वहाँ ब्राह्मण पूजा। पहले कह रहे थे कि सब्र आप लोगों का था, क्या आप कह रहे थे अभी? मैं ये कह रहा था कि सब्र टूटने वाला था, आदमी खुद जाता वहाँ, न्यायालय ने फैसला दे दिया। भगवान को हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक भूखा नहीं देख सकते हैं, जो हमारे विधि विधान में है कि उनको भोग आरती हो, उनका आरती हो, श्रृंगार हो, वो अगर नियमित नहीं मिलेगा, ऐसा ही सर्वे की रिपोर्ट। कार्यसेवा की बात कर रहे हैं? कार्यसेवा की बात कर रहे हैं और क्या, कार्यसेवा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जान दे देंगे अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने आराध्य के लिए जान दे देंगे, ये कौन सी बात है जी? कुछ कह रहे थे आप लोग? मंदिर नहीं छोड़ देंगे, मंदिर नहीं टूटेगा। कि वो जनता खुद प्रतीक्षा कर रही थी, सब टूट जाता, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बाबा हैं, बाबा के लिए हम लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं। हर हर महादेव।